अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर नूर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल सेट्स। ठीक है, अब टू वेक्टर्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इफ़ यू डॉट वी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स टू वेक्टर्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ़ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, यू डॉट वी इज इक्वल्स टू यू वी कॉस थीटा। कॉस थीटा, अगर थीटा मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 पुट करेंगे, कॉस 90 इज इक्वल्स टू जीरो एंड यू डॉट वी इज इक्वल्स टू यू वी इन टू जीरो, यू डॉट वी इज इक्वल्स टू जीरो। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इफ यू डॉट वी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो, और उनका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ एक कंडीशन के अंदर जीरो होगा, अगर उनके बीच में थीटा या एंगल 90 का हो, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। उसके बाद अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, यू एंड वी। अब इधर तो हमें नहीं पता जी कि इनके बीच एंगल क्या है, तो अब हमने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने यू की पहली एंट्री को वी की पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह बाकी भी यू टू को वी टू से, यू थ्री को वी थ्री से एंड यू फोर को वी फोर से मल्टीप्लाई करना है। हमने जब ये किया तो हमने देखा कि जी इनका जो सम आता है इन सारे सब का, वो आते जीरो के इक्वल, और यही हमारी कंडीशन थी। आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। आप इनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट आपने ले लिया, सॉरी यहाँ पे मुझे यू फोर एंड वी फोर ये भी लिखना था। तो यहाँ पे आपने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को ऐड किया और आंसर जीरो के इक्वल आया, तो आप कहेंगे येस वी प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसके बाद अब हम देखेंगे ऑर्थोगोनल सेट। ठीक है, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अ सबसेट ऑफ वी इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल सेट, अ सबसेट ऑफ वी इज सेट टू बी, सॉरी इधर ये गलत, सेट टू बी is said to be orthogonal set if every two distinct vectors of S are orthogonal। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक inner product space ली है और उसका एक subset है, ठीक है, उस inner product space का, वो तब orthogonal कहलाएगा अगर उसके अंदर, for example, इसके अंदर तीन vectors हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हर दो distinct vectors जो हैं उनका product जो है वो zero हो, प्रोडक्ट जीरो हो या तो वो ऑर्थोगोनल हो, दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पे आप एक्स वन को एक्स टू से मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इनका लें, आई मीन मल्टीप्लाई नहीं, डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर जीरो आना चाहिए। एक्स टू का एक्स थ्री के साथ आंसर आना चाहिए जीरो आना चाहिए, एक्स वन का एक्स थ्री के साथ डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये सेट जो है ये ऑर्थोगोनल सेट है। अब वो जो मैंने तीन वेक्टर्स पहले आपको दिखाए थे वो बेसिकली ये थे, ठीक है, अब मैं आपको इनका प्रूफ करके दिखाती हूँ कि क्या ये तीन वेक्टर्स जिस सेट के अंदर हैं, सपोज करें एक सेट है वी जिसके अंदर ये तीन वेक्टर्स हैं, क्या वो सेट ऑर्थोगोनल है या नहीं। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक्स वन एक्स टू का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, एक्स टू एक्स थ्री का जीरो होना चाहिए, एक्स वन एक्स थ्री का जीरो होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक्स वन एक्स टू का लिया, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, प्लस जीरो प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, देन मैंने माइनस टू इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, इन तीनों को ऐड किया तो आंसर आ गया जीरो। एक्स वन और एक्स थ्री का वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल टर्म जीरो के इक्वल हैं, कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन सम उनका जीरो ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पे माइनस टू बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे टू बन रहा है, यहाँ पे जीरो बन रहा है, लेकिन जो इनका कलेक्टिव सम है वो जीरो है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट बेशक जीरो के इक्वल ना हो, मगर कलेक्टिव सम जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जी ये तीन वैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल एक सेट वी में हैं, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री एक सेट वी के अंदर है और ये सेट ऑर्थोगोनल है, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया इन तीनों के इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट लेके। ओके, बस आज का इतना ही टॉपिक था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप लोग इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।